तो आज हम लोग देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके पिछले दो वीडियो में हम लोग देखे थे, पहला वीडियो में 1 से 4 और दूसरा वीडियो में 5 से 7, और इस तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक पेडस्टल है। ठीक है, इस एक पेडस्टल है, पेडस्टल का मतलब होता है जैसे कि स्तंभ। क्या होता है, एक स्तंभ, स्तंभ पे क्या होती है, मूर्ति लगी होती है। ठीक है, तो स्तंभ पे मूर्ति लगी होती है, उसी को हम लोग स्तंभ को क्या बोलते हैं, पेडस्टल बोलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ तक ये क्या है, एक पेडस्टल। ठीक है, इस पेडस्टल के शिखर जो है, ये शिखर पे क्या कही हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है। तो पेडस्टल के शिखर पे क्या है, एक मूर्ति है, जो मूर्ति की लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के, ये मूर्ति के क्या है, शिखर। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये क्या है, पेडस्टल, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये, और बिंदु क्या है, वही बिंदु है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये वाला है 45 डिग्री। तो क्या बताना है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें हमको, पेडस्टल की ऊंचाई, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, अर्थात एक पेडस्टल पे क्या है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक, ठीक है, और जो क्या करते हैं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और पेडस्टल की जो ऊंचाई है, पेडस्टल का जो शिखर है, उससे उस बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो हमको ज्ञात करना है कि पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले देखते हैं कि मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, है ना, ये माना पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, बी सी है। ठीक है, बी सी को मान लेते हैं एच। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1. ए बी, अर्थात 1.6 मीटर। ठीक है, पेडस्टल के, पेडस्टल के पाद बिंदु से भूमि के उस बिंदु का, भूमि के उस बिंदु का दूरी से दूरी जो है वो कितना है, डी सी। ठीक है, दूरी जो है वो क्या है, डी सी। अब हम लोग देखेंगे हमको निकालना क्या है, बी सी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पूरा लेकर चलते हैं, और ये लंब और क्या होगा, आधार। लंब और आधार का रिलेशन किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, अगर त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे तो मेरा क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर होगा ए सी अपॉन में डी सी। ठीक है, इसको क्या माने हैं, एच माने। तो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3, मान को याद रखें। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस एच बराबर डी सी, अर्थात डी सी बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस एच बटा में √3। 1.6 प्लस एच बटा में √3। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में, पुनः त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री
टैन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में डी सी। 45 डिग्री का मान कितना होता है एक, बी सी का मान कितना है एच अपॉन में डी सी का डी सी, ठीक है। अर्थात डी सी बराबर क्या हो जाएगा एच, ठीक है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन वन एंड टू से, अब इक्वेशन वन एंड टू से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है डी सी बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1.6 प्लस एच बाई अंडर रूट 3, फिर बराबर क्या हो जाएगा डी सी बराबर एच, अर्थात इधर एच हो जाएगा। अब एच का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 प्लस एच बराबर एच अंडर रूट 3, अब यहाँ पे क्या करेंगे तो 1.6 इंटू एच अंडर रूट 3 माइनस एच 1.6 इंटू एच कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ से दोनों से एच कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा अंडर रूट 3 माइनस 1। अगर एच बराबर निकालना चाहें तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटा में अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है, 1.6 बटा में अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 प्लस 1। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा, तो ये हो जाएगा 3 और 3 में से एक जाएगा क्या बचेगा 2, अर्थात 1.6 गुणे अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 2, और 2 से कटाएंगे तो 2 8 16 मतलब 0.8, ठीक है, कितना आएगा 2 8 16 अर्थात 0.8। इस तरह से मेरा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, अर्थात ठीक है तो मिटा देते हैं h बराबर क्या हो जाएगा 0.8, ये मेरा आंसर 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा भी देख लें, यहाँ पे क्या इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे क्या इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन वन एंड सेकेंड में क्या है डी सी जो है वो दोनों में क्या है बराबर है, तो जो डी सी बराबर है तो क्या करेंगे बराबर कर देंगे, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा एच का मान फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ट्रिक इसका देख लेते हैं, ट्रिक क्या होगा देखिए, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है ये एक, तो ये भी क्या होगा पूरा एक, क्योंकि लंब बटा आधार एक होता है। टेन 60 डिग्री का मान देखिए तो पूरा जो लंब होगा अंडर रूट 3 और ये क्या हो जाएगा एक। अब देखिए डी सी जो है दोनों में है लेकिन दोनों में क्या आ रहा है एक एक आ रहा है, इसका मतलब ये पहले से बराबर है, तो जब ये पहले से बराबर है इसका मतलब कि ये पूरा जो है अंडर रूट 3 हमको मालूम मान दिया है इसका, इसका मतलब कि ये एक है और ये पूरा अंडर रूट 3 है, तो हम लोग करें तो अंडर रूट 3 माइनस 1 अगर कर दें, अंडर रूट 3 में से एक को लेस कर दें तो क्या बचेगा ये वाली ए बी, अर्थात ये जो किसके बराबर है 1.6 के बराबर है, इसका मतलब एक जो है वो कितना के बराबर 1.6 बटा में अंडर रूट 3 माइनस 1। अब हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है, तो एक का मान निकालना, तो एक का मान यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये जो है पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है एक है और एक का ही मान निकालना है, और ये कितना दिया हुआ है अंडर रूट 3 पूरा, उसमें से एक क्या करेंगे माइनस करेंगे, अर्थात अंडर रूट 3 माइनस 1, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 जो है किसके बराबर 1.6 के बराबर, तो जब अंडर रूट 3 माइनस 1 1.6 के बराबर, तो एक जो है वो किसके बराबर 1.6 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1, इसी का मान निकालना है, इसका परिमेयकरण कर देंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, यहाँ से मिल जाएगा 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, और यहाँ से मिलेगा ये हो जाएगा परिमेयकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, अर्थात नीचे हो जाएगा 2 और 2 8 कितना हो जाएगा 16, अर्थात 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ट्रिक था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए बढ़िया से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बढ़िया। देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले एक मीनार बना लेते हैं और एक क्या है भवन है, ठीक है, एक मीनार है और एक भवन है। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया मीनार और ये क्या हो गया
भवन। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, जैसे ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। फिर इसके बाद कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, ये भवन के पाद बिंदु से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी सी और डी, ये 50 मीटर दी हुई है। तो अब देखिए इसका इसका रिलेशन किस में आ जाएगा? टेन थीटा में। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई डी सी है, मीनार की ऊंचाई डी सी जो है वो कितनी है? 50 मीटर है, और भवन की ऊंचाई ए बी को एच मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज, किसमें? डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। अब हमको ये वाला ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है तो किसका रिलेशन लेंगे हम लोग? देखिए लंब और आधार, जब भी लंब और आधार का रिलेशन होगा उस समय हम लोग क्या लेंगे? टेन थीटा लेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा लेंगे तो टेन कितना हो जाएगा? टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? डी सी अपॉन में डी सी बटा में बी सी। टेन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, और डी सी का मान कितना दिया हुआ है? 50 बटा में बी सी। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 50 बाई अंडर रूट 3। बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 50 बाई अंडर रूट 3। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब त्रिभुज फिर चलते हैं ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो इसमें भी क्या होगा? टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी सी, और ए बी कितना है? ए बी अपॉन में बी सी, और टेन 30 डिग्री का मान 1 बाई अंडर रूट 3, और ए बी कितना है? नहीं मालूम है एच। बी सी कितना है? तो बी सी भी नहीं मालूम है, तो यहाँ पे बी सी रख लेते हैं। ठीक है, एच बाई बी सी। अब इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा एच बाई अंडर रूट 3। बी सी बराबर हो जाएगा एच बाई बी सी, अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो एच अंडर रूट 3 हो जाएंगे। बी सी बराबर क्या हो जाएगा? एच अंडर रूट 3। ये इक्वेशन 2, और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर चलेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से। तो अब देखिए इक्वेशन ओ में बी सी बी सी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो 50 बटा अंडर रूट 3 बराबर होगा एच अंडर रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, अर्थात 50 बराबर हो जाएगा एच 50 बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा? 3H। तो H बराबर हो जाएगा 50 अपॉन में 3, अर्थात 3 से हो जाएगा 16 3 48, और 2 50 16 सही 2 बटा 3, कितना हो जाएगा? 16 सही 2 बटा 3। ठीक है, वही काम करेंगे, इन दोनों का एक बार रिलेशन लेंगे 10 डिग्री का, एक बार दोनों का इन का रिलेशन लेंगे, यहाँ से इसका रिलेशन लेंगे तो क्या मिलेगा? BC बराबर 50 बटा में अंडर रूट 3। ठीक है, और ए बी सी का फिर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा बी सी बराबर एच अंडर रूट 3। फिर इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए बी सी क्या है? बराबर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में टर्म क्या होगा? बराबर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 16 अंडर रूट 60 सही 2 बटा 3। ठीक है, अब इसका अगर ट्रिक देखना चाहें तो ट्रिक भी देख सकते हैं, ट्रिक भी ईजी है। ठीक है, देख लेते हैं ट्रिक्स इसका। ठीक है, सीखे जो रुक कर बढ़िया से आराम से देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, ट्रिक्स देखें, ट्रिक तो बहुत ईजी है। ट्रिक देखिए क्या है, अगर ट्रिक देखना चाहें तो पहले बताएं कि 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 30 डिग्री का मान 1 बटा अंडर रूट 3, मतलब कि ये 1 तो ये कितना? अंडर रूट 3, इसका रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये देखेंगे तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा? अंडर रूट 3 बाई 1, इसका मतलब ये अंडर रूट 3 तो ये कितना हो जाएगा?
वन हो जाएगा, या तो इसके इसके क्योंकि ये दोनों में है और इधर से अंडर रूट थ्री आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है एक आ रहा है, तो एक ही चीज अगर एक ही लंबाई की दो अलग अलग मान नहीं हो सकते, इसलिए इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो अंडर रूट थ्री में क्या करते हैं एक का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब अंडर रूट थ्री में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये भी है तो इसमें भी क्या करेंगे एक का मल्टीप्लाई करेंगे, या एक में अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए एक में क्या करेंगे अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अंडर रूट थ्री बन जाएगा, तो ये भी अंडर रूट थ्री है तो इसमें भी क्या करेंगे अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको एक है, एक में अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ये क्या बन जाएगा केवल अंडर रूट थ्री, तो एक के साथ कौन था ये, तो इसके साथ भी अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कर देंगे तो कितना बन जाएगा तीन। इसका मतलब ये हो गया कि तीन जो है वो टोटल कितने के बराबर है, पचास के बराबर है। तीन जो है वो किसके बराबर है, पचास के बराबर है। ठीक है, तीन जो है वो किसके बराबर है, पचास के बराबर है। हमको चाहिए क्या, इसकी ऊंचाई अर्थात एक की लंबाई, तो एक जो है वो किसके बराबर होगा पचास बटा तीन के अर्थात सोलह सही दो बटा तीन के, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए और पहले क्वेश्चन अपने से जरूर पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एक 80 मीटर एक चौड़ी सड़क, 80 मीटर क्या है एक चौड़ी सड़क है। ठीक है, 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। ठीक है, कितनी इसकी चौड़ाई है 80 मीटर, 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, जैसे ये समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु है। ठीक है, और खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लें कि एक खंभे का जो है 60 डिग्री है और एक खंभे का कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो खंभों की ऊँचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई अर्थात ये ज्ञात करना है और खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करें, जैसे मान लीजिए कि ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ए बी और ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, ये बिंदु जो है वो उसको पी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये ए बी और सी डी। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, अगर ये पूरा 80 है तो इसको अगर हम लोग मान लें, अगर ये पूरा 80 है तो इसको अगर मान लें x, तो ये टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक अगर x होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 80 माइनस x होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 80 माइनस x। अब हम लोग चलते हैं, माना कि खंभों की ऊंचाई एच। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में चलेंगे तो टेन कितना डिग्री 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में बी पी, और टेन 30 डिग्री का मान 1 बाई अंडर रूट 3, और ए बी का मान कितना है एच, बी पी का मान कितना है बी से लेकर पी का मान कितना है एक्स, अर्थात एच बराबर हो जाएगा एक्स बाई अंडर रूट 3। ठीक है, एच बराबर कितना हो जाएगा एक्स बाई अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कर लेंगे। दूसरा देखते हैं, पुनः त्रिभुज, त्रिभुज डी सी पी में, डी सी पी में, डी सी पी में, डी सी पी में चलेंगे तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा डी सी अपॉन में, डी सी अपॉन में पी सी। ठीक है, और 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, डी सी का मान कितना है एच, और पी सी का मान कितना है 80 माइनस एक्स, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन टू और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं इक्वेशन वन एंड टू से, इक्वेशन वन एंड टू से। तो अब देखिए इक्वेशन वन में इधर भी एच है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स का मान फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स का मान फाइंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बाई अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट 3 इंटू 80 माइनस एक्स।
अब इस अंडर रूट थ्री को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 × 80 - x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 38 × 24 = 240, और माइनस कितना हो जाएगा 3x, और 3x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, 3x इधर आएगा तो 4x, 4x बराबर 240, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 6 = 24 अर्थात 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 60, x बराबर 60, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 60 आ गई। अब फिर यहाँ से भी पूछा है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी, तो पहले खंभे से उस बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ गई 60, पहले खंभों से उस बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है 60 है, तथा दूसरे खंभों से उस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 80 - x अर्थात 80 - 60 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 20। अब खंभों की ऊंचाई h, तो h बराबर यहाँ से हमको मिला है एक्स वाई कितना अंडर रूट 3, या यहाँ से ले सकते हैं अंडर रूट 3 × 80 - x, तो यहीं से ले लेते हैं x बाई अंडर रूट 3, तो x का मान कितना आ गया x बाई अंडर रूट 3 अर्थात 60 / √3। अब 60 / √3 का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 × √3, और ये √3 क्या मिल जाएगा 3 बन जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो कितना बार में 20 अर्थात टोटली फाइनल आंसर कितना जाएगा खंभों की ऊंचाई 20√3, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20√3, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे देख लेंगे दोनों वही करना है, इक्वेशन लाना है, फिर इसके बाद दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एच बराबर है तो यहाँ पे बराबर कर देना है, एक्स का मान मिल जाएगा, एक्स क्या है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बाद एक्स का मान इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा खंभों की ऊंचाई निकल जाएगी, खंभों की ऊंचाई कितनी है 20√3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक टीवी टावर क्या है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं एक टीवी टावर क्या है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ठीक है, नहर के एक तट पर जो है, नहर जो है ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है ये नहर, नहर के एक टावर है, ठीक है, नहर के एक तट पर क्या है टावर है, ठीक है, तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है और ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये टावर एक तट पे हो गया दूसरे तट पे ये, ठीक है, ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है, और इसी तट पर अब ये पहला तट हो गया ये दूसरा तट हो, इसी तटी पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर जाने पर, ठीक है, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है, कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, उसे बुक में भी दिया हुआ है फिगर, इसको देख लें, ठीक है, तो पूछ रहा है कि नहर की चौड़ाई, देखिए नहर का एक तट ये है और दूसरा तट ये है, इसका मतलब नहर की चौड़ाई ये पूछ रहा है, ठीक है, नहर की चौड़ाई और पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, अर्थात टावर की ऊंचाई ये पूछ रहा है, ठीक है, इसको एच मान लेते हैं, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख लिए हम लोग, एक क्या चाहिए यहाँ पे 20 मीटर की दूरी पर ये, ठीक है, नहर यहाँ से लेकर यहाँ तक नहर है, नहर का एक तट ये है दूसरा तट ये है नहर का, ठीक है, नहर का एक तट ये है और दूसरा तट ये है। अब हम लोग क्या करते हैं तो देखते हैं पहला अगर इसमें चले तो मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई x है, टावर की ऊंचाई x नहीं h है, ठीक है, और नहर की चौड़ाई कितनी है x है, नहर की चौड़ाई क्या मान ली है x मान ली। अब हम लोग चलते हैं a b c और d, जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया
ऊंचाई जो है ए बी जो है वो कितना है एच है, इसके ना ऊंचाई ए बी मान लेते हैं ये कितना है एच है। ठीक है तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको, फिगर इस तरह बनेगा। ठीक है अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में चलेंगे तो टेन कितना 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, क्योंकि लंब बटा में क्या होता है आधार, ए बी हमको मालूम है एच टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है अंडर रूट 3, और ए बी का मान कितना है एच, बी सी का मान कितना है एक्स, अर्थात एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स, एच बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स। अब पुनः चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कितना टेन 30 डिग्री, ए बी डी में क्या होगा टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है टेन 30 डिग्री बराबर कहता है लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है ए बी, आधार कितना है तो आधार यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 + x अर्थात डी बी, और यहाँ अंडर रूट 3 का मान इसका कितना 1/√3, ए बी का मान कितना है हम लोग मान चुके हैं एच डी बी, डी से लेकर बी इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी 20 + x, तो h बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 20 + h बटा में अंडर रूट 3, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2 और ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है अब इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है एच एच बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर होगा, अर्थात अंडर रूट 3 एक्स बराबर हो जाएगा 20 + h इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 3x बराबर 20 + h, तो फिर क्या हो जाएगा 20 + क्या है ये 20 + x है, ठीक है यहाँ पे 20 + क्या है एक्स है, और यहाँ भी क्या है 20 + x है, ठीक है एच नहीं 20 + x। अब इस x को इधर करेंगे माइनस हो जाएगा तो 3x - x बराबर 20, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 2 से कटाएंगे तो टोटली x बराबर क्या मिलेगा हमको 10, x बराबर क्या मिलेगा हमको 10, अर्थात नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है अब हम लोग देखते हैं मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई कहाँ से, तो मीनार की ऊंचाई कहाँ पे है, मीनार की ऊंचाई जो है इसको h माने, तो मीनार की ऊंचाई h, तो h बराबर हम लोग क्या किए हैं अंडर रूट 3x, तो अंडर रूट 3x, तो अंडर रूट 3x का मान कितना आया है 10, अर्थात इसका अंडर रूट 3 का मान अगर रखना चाहे तो 0.732 × 10 करेंगे तो आ जाएगा 7.32 मीटर, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, अंडर रूट 3 का मान रखेंगे तो कितना 0.732 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। ठीक है इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है आप ठीक है इसका वो एक मिनट इसका जो मान होता है 1.732 होता है, ठीक है अर्थात ये हो जाएगा आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर हो जाएगा। ठीक है अंडर 3 का मान 1.732 होता है। ठीक है चलिए इस तरह से हो गया, अभी बताए हैं कि अगर ट्रिक्स से आपको चाहिए तो ट्रिक्स हम क्या करेंगे कि एक अगर कमेंट करेंगे आप लोग ट्रिक्स के लिए तो ट्रिक्स का क्या करेंगे पूरा 9.1 चैप्टर के लिए मल्टीपल क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स का एक वीडियो हम अलग से बना कर दे देंगे। ठीक है मल्टीपल क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स का एक अलग से वीडियो बना देंगे, ट्रिक्स से हम लोग ट्रिक्स को थोड़ा सा शुरू में समझना होगा, इसके बाद ये ट्रिक्स पर क्या करेंगे क्वेश्चन ये सेकेंडो में क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है केवल फिगर बना और आंसर आ जाएगा। ठीक है तो उसके लिए ट्रिक्स का हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है और एक ही चैप्टर के लिए ज़्यादातर वीडियो हो जाएंगे। ठीक है तो आज इतना ही, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 11 था, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12। ठीक है ये समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करें, फिर दोबारा उसको हम रिप्लाई भी करेंगे और बताएंगे भी। ठीक है थैंक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 कराए 7 मीटर ऊंचे भवन से 7 मीटर
सात मीटर ऊंचा एक भवन है, सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, एक केबल टावर है यहाँ से, ठीक है, केबल टावर, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। सात मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन, अर्थात शिखर को देख रहा है, तो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, अर्थात इसके पाद का, यहाँ से इसके पाद का अवनमन कोण, अर्थात यहाँ से ये देख रहा है, तो अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है, तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, अर्थात ये जो टावर है इसकी ऊंचाई क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो माना कि टावर की ऊंचाई कितनी है, h है, टावर की ऊंचाई कितनी है, h है। अब टावर की ऊंचाई h, तो हम लोग चलते हैं पहले, ये अगर 45 डिग्री तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया थे शुरू के वीडियो में, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो चलते हैं त्रिभुज ए, त्रिभुज EDC में, EDC में क्या हो जाएगा, इसका इसका रिलेशन टेन में आएगा, तो टेन कितना डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ED अपॉन में CD, ED अपॉन में CD, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 और ED का मान कितना है 7 और CD का मान कितना है, CD रख लेते हैं, तो CD बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, CD बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर, ठीक है, ये CD जो है वो कितना, 7, जब ये CD 7 मीटर, जब CD 7 मीटर हो तो BE भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, इसलिए BE भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर, क्योंकि समानांतर और क्या है, बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर ये 7 मीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी वो 7 मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में क्या करेंगे, टेन कितना डिग्री है, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, AB अपॉन में BE, और 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 और AB का मान AB और BE का मान हमको मालूम है, BE का मान कितना, 7, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 3, तो 7 अंडर रूट 3। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई h बराबर, टावर की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई h बराबर, तो h अगर इसको पूरा यहां से यहां तक करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 है तो यहां से ये भी 7 और ये AB, अर्थात ये हो जाएगा आपको AB प्लस BC, और AB का मान यहां पे मालूम है 7 अंडर रूट 3, और प्लस BC का मान मालूम है 7, 7 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 1 अर्थात 7 मल्टीप्लाई इसका 1.732 + 1 अर्थात हो जाएगा 7 × 2.732। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 4 = 1, 70 × 21 और 1 22 × 2 = 1, 7 × 7 = 49, 49 × 2 = 51, फिर कैरी हो जाएगा 5 और 7 × 2 = 14, 14 × 5 कितना हो जाएगा 19, 3 अंक के बाद डेसिमल, 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे कितना हो जाएगा 19.124 मीटर, ठीक है, 19.124 मीटर, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 19.124 मीटर। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक्स।